Hey, this is Asim Siddiqui here and you're watching my channel Watch Out Academy by Wasim. So aaj hum jis topic ke upar baat karne ja rahe hain wo how to calculate machine productivity and this is how to CAD for engineers jo abhi different industries ke andar kaam kar rahe hain. Industrial engineers plus textile engineers ya koi bhi engineer jisko machine productivity calculate karne ki zarurat pade wo usko refer kar sakta hai. मशीन प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है. इट इज़ बेसिकली अ रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. अब आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ भी हो सकता है. अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर हैं और आप कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट कुड बी कार, इट कुड बी एनी प्रोडक्ट, कुड बी गारमेंट, तो वो आपका आउटपुट होगा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं. अब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट रिक्वायर्ड होंगे, वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी जो यूज़ होंगी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में. तो इट कुड बी लेबर आवर्स, मशीन रिक्वायर्ड होंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. इन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप अपना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे. देन यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है मशीन फॉर्मूला निकालने का, प्रोडक्टिविटी निकालने का, एंड इट इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. अब आउटपुट जो है वो आपके यूनिट्स हैं, इनपुट जो है वो मैन मशीन मटेरियल जो भी आपके रिसोर्सेज में यूज़ हो रहे हैं. अब क्या होती है आपकी मशीन प्रोडक्टिविटी की, एंड मशीन प्रोडक्टिविटी बेसिकली यूज़ हो रही होती है आपकी लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. आप अगर हर लाइन की प्रोडक्टिविटी निकाल लो तो आप उसे एज ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन सेट कर सकते हो कि मेरी इस लाइन की परफॉर्मेंस ये है, इस लाइन की परफॉर्मेंस ये है. तो उससे एक आइडिया हो जाता है हमें कि क्या परफॉर्मेंस है मंथली. देन जो है वो बेसिस ऑफ कंपैरिजन जो मैंने अभी बताया, मशीन यूटिलाइजेशन आप निकाल सकते हो कि इस मशीन ने इतना यूटिलाइज़ किया पर आवर. अगर आपको किसी भी मशीन की प्रोडक्टिविटी पता हो, यानी कि ये मशीन बना रही है 20 पीसेस पर आवर एंड ये मशीन प्रोड्यूस कर रही है 30 पीसेस पर आवर, तो आपको पता है ये मशीन ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, दिस इज़ बेटर मशीन. जो कम प्रोड्यूस कर रही है वो कम यूटिलाइज हो रही है, तो आप आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अब उसके इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में. देन आप हर मशीन का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो जो मैंने आपको डिफाइन किया. परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मशीन यूटिलाइजेशन आर बेसिकली ऑलमोस्ट सेम. अगर आपको यूटिलाइजेशन पैदा होगी तो आप उसकी परफॉर्मेंस निकाल लोगे, आप उसको कंपेयर कर लोगे कि ये मशीन अंडर यूटिलाइज थी एंड ये मशीन ओवर यूटिलाइज थी. उसके हिसाब से आप अपनी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को प्लान करोगे एंड आप अपनी कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको मशीन प्रोडक्टिविटी का आइडिया हो. एंड देन है फॉर्मूला ऑफ मशीन प्रोडक्टिविटी. तो फॉर्मूला यहाँ मेंशन है नंबर ऑफ टोटल गारमेंट्स प्रोड्यूस, यानी कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितने गारमेंट प्रोड्यूस किए 8 आवर्स में या एक दिन में, जो भी हैं उसको आप डिवाइड कर दो उन्होंने कितनी मशीन्स को यूटिलाइज़ किया. तो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर मेजरली प्रोडक्टिविटी जो मेजर होती है वो इन टर्म्स ऑफ मशीन एंड लेबर होती है. तो हमें इन दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए अगर हम किसी भी गारमेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं. देन मैं आपको बताऊंगा कि लेबर प्रोडक्टिविटी किस तरह निकलती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. अभी नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन. सो यू नीड द फॉलोइंग डेटा. आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितनी स्टिचिंग मशीन्स अवेलेबल हैं एक लाइन के अंदर, आपकी लाइन का आउटपुट क्या है पर डे में, एंड वो लाइन जो है कितने आवर्स ऑपरेट कर रही है एक दिन के अंदर. एक हमारे पास एग्जांपल यहाँ मौजूद है वो देख लेते हैं. एग्जांपल में ये आपको कह रहा है कि 40 मशीन जो है वो लाइन एक लाइन के अंदर 40 मशीन अवेलेबल हैं एंड वो लाइन जो है वो 400 पीसेस एक शिफ्ट के अंदर प्रोड्यूस कर रही है. तो हमने मशीन प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला बताया था वो ये है कि आउटपुट क्या है उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मशीन से, एंड आउटपुट यहाँ पे 400 पीसेज है, यानी कि 400 गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको डिवाइड किया हमने 40 मशीन से, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 पीसेज पर 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट. देन हमने इनको कन्वर्ट कर दिया शिफ्ट को आवर्स में. आवर्स में हमने इस तरह कन्वर्ट किया कि हमें पता होना चाहिए कि एक शिफ्ट के अंदर 8 घंटे हैं या 10 घंटे हैं, जो भी उसमें आपकी एक शिफ्ट है. देन हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 यूनिट्स को 8 आवर्स से, तो हमें पता चल जाता है कि 1.25 यूनिट पर मशीन पर आवर, यानी कि एक मशीन एक घंटे में 1.2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है. तो प्रोडक्टिविटी जो है वो आप हर लाइन की निकाल सकते हैं. हर लाइन की निकालने के बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, बेसिस ऑफ कंपैरिजन दे सकते हैं फैक्ट्रीज़ का, लाइंस का. अगर आपको मशीन प्रोडक्टिविटी का आइडिया हो कि मेरी ये लाइन इतनी प्रोडक्टिव है और मेरा ये यूनिट इतना प्रोडक्टिव है, एंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो की हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं एंड उसके नंबर ऑफ मशीन्स एंड आउटपुट मौजूद है कि ये मशीन इतना प्रोड्यूस कर रही है,
ये वाला जो प्रोडक्ट है उसने इतनी मशीन्स को यूज़ किया और इतने आउटपुट प्रोड्यूस किए। तो अगर आपको आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर यहाँ मौजूद है। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच हॉक एट मी वाई वसीम। थैंक यू।